जो पुराने स्टूडेंट हैं वो रिस्ट वॉच यूज कर रहे हैं, या जिन लोगों ने हमारी थेरेपी वॉच यूज करी है, तो वो अगर कोई एक मतलब अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल कर सकते हैं। या जिन्होंने रिस्ट वॉच को यूज करना चालू किया है, भले उसने हमसे कंसल्टेंसी ली है ना ली है, या आपको कहीं से कुछ भी जो भी एक एक्सपीरियंस है तो वो आप शेयर कर सकते हैं। बहुत ऐसा लग रहा है कि मैं सुबह उठने में जो थोड़ा बहुत मुझे आलस आता था वो मैं एक्टिव हो गई हूँ। ओके चलिए, तो बहुत लग रहा है। चलिए बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू। मऊ से मैं अहमदाबाद से हूँ। मेरे घर में मैंने फैमिली के लिए रिस्ट वॉच मंगाई है, मैंने मेरे लिए रिस्ट वॉच मंगाई है, और घर में वॉल क्लॉक भी मंगवाई है, और सारे मतलब जो काम मैं पहले करती थी पेंडिंग रखती थी, आज नहीं कल करूंगी, कल नहीं परसों करूंगी, वो सब हट गया है और पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, और जो नेगेटिविटी थी दिमाग में वो नहीं रहती, और बिजनेस में भी मुझे धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है, और मैंने रिस्ट वॉच एनालाइज करना थोड़ा थोड़ा सीख लिया है, और लोगों को प्रेडिक्शन भी करती हूँ, तो अभी हो रहा है मेरा और अच्छा हो रहा है सर। चलिए बहुत बढ़िया। बच्चों का भी मैंने बिजनेस के लिए और शादी के लिए लिए है, तो अब उनके रिश्ते की बातें भी होने लगी है। थैंक यू सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ विष्णु जी बोलिए। तो मैंने वॉच मंगाई थी, लेकिन मैं यहाँ आज आप एक बार फीडबैक फिर से देने यही आई हूँ। बस जब मैंने रिस्ट वॉच अपने लिए ऑर्डर किया था तो उसके बाद मेरा एक अमाउंट था, काफ़ी बड़ा अमाउंट था, उसका 40% रिकवर हो गया था ऑर्डर करने के दूसरे दिन, और जब रिस्ट वॉच मेरी आ रही थी तभी मेरा एक जगह मतलब मैंने टाइम इन्वेस्ट किया था तो वो मनी में कन्वर्ट होके मुझे मिला। ये कहे कि रिस्ट वॉच के आगे 2 0 और लग गए, तो मैं यही शेयर करने के लिए आ जाएगी। थैंक यू सर। चलिए थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बोलिए रिंकू जी, आज आपने हैंड रेज किया है। नमः शिवाय सर। नमः शिवाय सर। वॉच के बहुत मिरेकल रिजल्ट मिले हैं मेरे को, वॉल क्लॉक के भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। वॉल क्लॉक लगते ही मेरा एक बहुत बड़ा अमाउंट अटका हुआ था, वो मेरे बहुत जैसे ही घर में आई थी वो क्लियर हो गया था। मेरे बिटिया को बहुत जैसे ही रिस्ट वॉच उसने पहनी, उसके 5 घंटे के अंदर अंदर उसके पास कॉल आ गया था, उसकी जॉब लग चुकी है और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। रिस्ट वॉच मैंने पहनी, मेरे भी बहुत सारे संपर्क लोगों से बढ़ते जा रहे हैं। हस्बैंड ने जैसे ही वॉच पहनी है, वो एक बिल्डर है और उनका काम भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो मेरे घर में बहुत खुशी है सर। तो थैंक यू सो मच। रिस्ट वॉच का मेरे तो बहुत पॉजिटिव रिजल्ट है फिर की। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका सर कि आपने हमें इतना अच्छा पढ़ाया है। मेरे को नहीं लगता कि कोई इतना अच्छा टीचर आज के जमाने में मिल सकता है। जो आप कितना ही पूछे वो आप कभी इनके माथे पे मैंने शिकन ही नहीं देखी। कितने ही क्वेश्चन कर लीजिए आप, चाहे 12 बजे 1 बजे, कितने ही क्वेश्चन के आंसर ये बहुत पोलाइटली देते हैं। तो थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यह है कि रिस्ट वॉच है क्या। हर बार की क्लास में आप लोगों को बताता हूँ। आज आप लोगों को ना एक दो टिप दो या तीन आपको ऐसे टिप्स दे दूंगा जो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप वॉच थोड़ा सा क्योंकि होता क्या है, ये वॉच का साइंस बहुत डिफरेंट है और इसको बहुत मतलब ये समझ लीजिए कि जब तक इसको गहराई से आप नहीं समझेंगे तब तक चीजें समझ में नहीं आती है। फिर भी हम आज वॉच के बारे में थोड़ा बहुत यहाँ पर हमेशा होता है ना सर, घड़ी तो सभी पहनते हैं, घड़ी तो सभी पहनते हैं, परंतु उनके जीवन में भी वही प्रॉब्लम होती है। आपकी बताई हुई घड़ी में क्या ऐसा चमत्कार है? मेरी बताई हुई घड़ी में कोई ऐसा चमत्कार नहीं। ठीक है ना, जैसे कहते हैं ना, हर व्यक्ति गाड़ी चलाता है, हर व्यक्ति गाड़ी चलाता है, तो कई लोग गाड़ी स्पीड चलाते हैं, कई लोग बहुत स्लो चलाते हैं, और कई लोग क्या करते हैं गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट कर देते हैं। सबके चलाने का तरीका अलग अलग होता है। उसी प्रकार वॉचेस जो होती हैं वो डिपेंड करती है कि वह वॉच आपकी एनर्जी के साथ मैच कर रही है या नहीं कर रही। एक चीज ध्यान देना, जो लोग वॉच पहनते हैं, जो नहीं पहनते उनके बारे में तो मैंने बता ही दिया है कि उनको दो प्रॉब्लम होती है। जो लोग वॉच नहीं पहनते हैं उनकी लाइफ में दो प्रॉब्लम क्या क्या होती है। पहली प्रॉब्लम उनके रिलेशनशिप खराब होते हैं और दूसरा उनका फाइनेंस का प्रॉब्लम आता है। पिछली क्लास में हमने इस पर बहुत अच्छे से डिस्कशन भी किया था। तो जो पहनते हैं वॉच, जो लोग वॉच पहनते हैं उसके बाद भी वॉच में ऐसा क्या है जो उस व्यक्ति की एनर्जी के साथ चैनलाइज नहीं हो पाती है, दिक्कत करती है। मैं बात करता हूं ब्लैक कलर की डायल की वॉच, ब्लैक कलर की डायल की वॉच। ब्लैक कलर की डायल, डायल मतलब समझ रहे हैं, वॉच का अंदर जो जहाँ पे नंबर्स लिखे होते हैं उसके पीछे का जो बैकग्राउंड होता है वो डायल का कलर बोलते हैं। जिस भी व्यक्ति की ब्लैक कलर की डायल की वॉच होगी वह व्यक्ति लाइफ में स्ट्रगल जरूर करेगा। आप लोग चेक कर लेना, आपके किसी रिलेटिव के पास होगी या आपकी खुद की वॉच होगी या आपके घर में किसी ना किसी की वॉच होगी जरूर। अगर ब्लैक कलर की वॉच है, पूरी की पूरी वॉच जो है वो ब्लैक कलर की है, ठीक है, पूरी की पूरी वॉच अगर ब्लैक कलर की है तो वह व्यक्ति लाइफ में स्ट्रगल बहुत करता है, पहला पॉइंट। दूसरा, उस व्यक्ति की लाइफ में बनता बनता काम लास्ट मोमेंट में बिगड़ जाता है। और ब्लैक कलर की जो वॉच होती है वो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क कराती है। वह व्यक्ति अपनी लाइफ में सेल्फ मेड पर्सनैलिटी बनने की कोशिश करता है परंतु बन नहीं पाता। कारण, क्योंकि ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर आ गया शनि के साथ, और शनि ग्रह, शनि जो भगवान है वो ऑलरेडी, शनि भगवान ऑलरेडी क्या करते हैं, कर्म के देवता हैं। वो कहते हैं कि तुम कर्म करो और कर्म करो और करो और करो और करो। वो कर्म ही कराते चले जाते हैं और वह व्यक्ति कर्म करता चला जाता है, करता चला जाता है, और लास्ट में उसको लगता है कि मैं इतना कर्म कर रहा हूं उसके बाद भी मुझे रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि उसने ब्लैक कलर की वॉच पहन ली। इसके एक ये पॉजिटिव पार्ट था, अब इसका नेगेटिव पार्ट था, अब इसका पॉजिटिव भी समझ लो कि ब्लैक कलर की वॉच जिसकी होती है ना उस व्यक्ति के अंदर में नॉलेज बहुत होता है। वो व्यक्ति जिस फील्ड में होगा उस फील्ड का उसको डीप नॉलेज होगा। वह व्यक्ति डीप नॉलेज रखेगा, मतलब उसकी बाल की खाल निकालने में माहिर होगा। डीप नॉलेज बहुत अच्छा होता है। दूसरा, वह व्यक्ति बोल्ड पर्सनैलिटी का होता है, मतलब उसकी जो पर्सनालिटी होती है ना वो बोल्ड होती है। अब ब्लैक कलर किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है एडवोकेट, ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है जज को। तो वो लोग कैसे होते हैं? बोल्ड पर्सनालिटी के होते हैं। और दूसरा, ब्लैक कलर जिसकी भी वॉच ब्लैक कलर की होती है वो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को बहुत अच्छा फॉलो करते हैं। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट है और कुछ नेगेटिव पॉइंट है। तो रूल्स एंड रेगुलेशंस को, वो जिनकी भी वॉच ब्लैक कलर की होती है ये लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं। जिस भी व्यक्ति की वॉच ब्लैक कलर की होती है इनकी पर्सनालिटी बोल्ड होती है, ये किसी से डरते नहीं है, इनके अंदर का कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होता है। परंतु कॉन्फिडेंस ज्यादा, नॉलेज बहुत रहेगा, नॉलेज। अब किसी व्यक्ति के पास नॉलेज बहुत है परंतु उस नॉलेज को वो सही दिशा पर नहीं लगा पा रहा, तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका नॉलेज बेकार है। अगर व्यक्ति के पास नॉलेज कम है और सही दिशा पे उसने नॉलेज लगा लिया तो वो सक्सेसफुल है। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि जो लोगों के पास नॉलेज, इतना नॉलेज होता है ना, वो कहते हैं कि भगवान मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहा है सर, मेरे पास तो नॉलेज इतना है कि मैं क्या बताऊं, मेरे पास हर चीज का नॉलेज है परंतु मुझे अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है। और मेरा ही एक कलीग है, उसके पास बिल्कुल नॉलेज नहीं है परंतु उसके पास पैसा भी है, उसको प्रमोशन भी मिल जाता है, मुझे नहीं मिलता। कारण, ब्लैक कलर। तो ब्लैक कलर की वॉच समटाइम अच्छी होती है बट कभी कभी खराब भी होती है। अब इसी जगह पर अगर किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में मूलांक 8 आ जाए और भाग्यांक 8 आ जाए और वो गलती से बेचारा ब्लैक कलर की वॉच पहन लिया तो समझ लो वो बेचारा ही हो गया। कैसे? क्योंकि शनि का नंबर है 8। न्यूमरोलॉजी में शनि का नंबर 8 है, मूलांक भी 8, भाग्यांक भी 8, तो उसकी रेट ऑफ बर्थ में 2 बार 8 आ गया। और जब 2 बार 8 आ गया और उसने ब्लैक कलर की वॉच पहन ली तो एक और 8 बाय डिफॉल्ट कनेक्ट हो गया, तो 3 8 आ गए। 3 टाइम्स 8 आ गया, मतलब उस व्यक्ति का स्ट्रगल 3 टाइम बढ़ जाएगा। 2 टाइम इज कंफर्टेबल है, 2 बार हम झेल सकते हैं कि हमने जो काम किया ठीक है, परंतु 3 टाइम 8 आ गया मतलब उस व्यक्ति का प्रॉब्लम बढ़ेगा। हार्ड वर्क वो दुनिया, मतलब 100 लोग एक काम करेंगे वह व्यक्ति एक काम करेगा 100 लोगों के बराबर, परंतु जब उसको पैसे देने की बारी आएगी उसको उतना मिलेगा नहीं। उसको कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो सब कुछ सही सही करेगा, परंतु जब उसको पैसे की बारी आएगी तो बेचारा कहीं ना कहीं तकलीफ में रहेगा। जैसे शनि भगवान, नॉर्मली एस्ट्रोलॉजी में भी बोला जाता है शनि देव कर्म के देवता हैं। जो मजदूर होते हैं, जो हमारे घर में हमारे जो सानिध्य में लोग होते हैं, हमारे ऊपर जो आश्रित लोग होते हैं, वो शनि के साथ कनेक्ट होते हैं। तो वो बेचारे मजदूर के जैसा काम करेंगे, ऑफिस में भी काम करेंगे, अगर जॉब में है तो ऑफिस में उतना ही काम करेंगे। बाकी लोगों का प्रमोशन हो जाएगा, बाकी लोगों की सैलरी मिलेगी, परंतु उसको सैलरी मिलने में, प्रमोशन मिलने में उनका बॉस भी उनसे खुश नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी बोल्ड है, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता है, ठीक है, वो जो बातें बोलेगा टू दी पॉइंट बात करेगा, वो कहीं जल्दी, हाँ एक ब्लैक कलर की ये भी एक खासियत है, ये लोग जल्दी कहीं पे एडजस्टेबल नहीं होते, ये कहीं पे अपने आप को जल्दी से एडजस्ट नहीं कर पाते, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, किसी भी चीज में हो। और सबसे बड़ी चीज, राउंड कलर का आ गया तो डिमांडिंग नेचर के हो जाते हैं। राउंड शेप अगर आ गया, राउंड शेप अगर आ गया तो डिमांडिंग नेचर का, जो सर्कल शेप, राउंड शेप, तो डिमांडिंग नेचर हो जाता है। तो ब्लैक कलर के साथ राउंड और डिमांडिंग बना देगा कि मैं रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहा हूं तो मेरी पत्नी भी करे, मेरे बच्चे भी करे। अब जब बच्चे नहीं करेंगे, पत्नी नहीं करेगी तो क्या होगा? झगड़ा और रिश्ते हो गए खराब। वह व्यक्ति बोल्ड पर्सनैलिटी का होगा, जो बोलेगा एकदम सीधी बात बोलेगा, उसको दाएं बाएं बोलने की जरूरत नहीं है। तो जब वो आज के समय में क्या होता है, आज के समय में आप देखना कोई भी रिश्ते हो, उस रिश्ते में मक्खन लगाना बहुत जरूरी है। तो होगा क्या, ब्लैक कलर वाला रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, ब्लैक कलर वाला वो डिमांडिंग रहेगा, तो वो बोलेगा कि मेरे बच्चे भी रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करें, मेरी पत्नी भी करे। अब बच्चे करेंगे नहीं तो क्या बोलेंगे, पापा क्या है, बहुत ज्यादा रूड है, मम्मी, और फिर वाइफ को क्या बोलेगा, तुम्हें कुछ आता नहीं है। तो कुल मिला के वो डोमिनेट करना चालू कर देगा, तो झगड़े खराब होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। अब इस जगह पे एक चीज बोलना चाहूंगा कि आज जितने भी लोगों के रिश्ते हैं ना, जितने लोगों के भी रिश्ते, बहुत कड़वा सच है ये, हर व्यक्ति अपने रिश्तों पे ग्रीस लगा रहा है। ग्रीस लगा रहा है मतलब समझ रहे हैं, ऑयल डाल रहा है। एक रिश्ता एक प्रकार से ऐसे समझ लो कि एक इंजन है, मशीन है, और जब रिश्ते खराब होते हैं तो उसमें वो ऑयल डालते हैं। किस चीज का? मीठी मीठी और चुपड़ी बातें करके, मतलब मक्खन। बोलते ना कि अगर रिश्ते को बचाना है तो मक्खन लगा के बात करो तो रिश्ता बचेगा, अगर आपने सीधी बात कर दी तो रिश्ता उसी दिन खत्म। तो ये वही चीज होती है। आप लोग चेक कर लेना, मेरी बात हो सकता है थोड़ी अटपटी लगे, परंतु जितने भी रिश्ते हैं उन रिश्तों में कहीं ना कहीं वो सिर्फ और सिर्फ वो रिश्ता निभा रहे हैं। क्यों निभा रहे हैं? क्योंकि कहीं पे भी अगर घड़ी में, एक चीज और बता देता हूं, घड़ी में अगर कहीं भी ब्लैक कलर आ गया, चाहे वो मिनट हैंड में आ जाए, चाहे आर हैंड में आ जाए, चाहे सेकंड हैंड में आ जाए, चाहे नंबर्स में ही क्यों ना आ जाए, चाहे डायल में क्यों ना आ जाए, इवन बेल्ट में भी अगर ब्लैक कलर आ जाएगा तो वह बेचारा रिश्तों को खींचता रहेगा। कितने लोग रिलेट कर पाएंगे? इतने 194 लोग बैठे हो, कितने लोग रिलेट कर पाए? जो मैंने बोला वो सही है या गलत है? अनम्यूट का परमिशन दिया है मैंने। सही है गुरुदेव? सही है सर, सही है सर, सही बता रहे हैं। ठीक है, एकदम सही है। सिर्फ मैंने आपको एक कलर के बारे में बताया और उसमें से आपको, चलो मैं 100% सही नहीं बोलता, 90% तो मैच किया। एक कलर है सर, 100% मैच कर रहा है, किया ना मैच? मेरी बात से एग्री करते हो नहीं करते? बिल्कुल सही है, बहुत अच्छी तरह। अभी सबको वेट कर रहा हूँ, ठीक है? ये साइंस है, ये जो रिस्ट वॉच है ना, ये एक साइंस है। साइंस मतलब इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है। अब आप ये सोच लो कि कई लोग कहते हैं सर एस्ट्रोलॉजी भी तो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी अलग जगह, न्यूमरोलॉजी अलग जगह, ये रिस्ट वॉच नया कहाँ से टपक गया? टपका नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च किया गया, इसके ऊपर देखा गया और उसके बाद जाके फाइनली निकाला गया। तो यहाँ पर आप, कई लोग बोलेंगे, अब ये वीडियो यूट्यूब में जाएगी तो कई लोग क्या बोलेंगे, सर आज के डेट में तो 90% लोग ब्लैक कलर ही पहनते हैं और ब्लैक कलर पसंद भी आती है। ठीक है, मतलब 80% घड़ियां ब्लैक कलर की ही होती है, तो सबके साथ ये कनेक्ट होगा नहीं। उसमें से सिर्फ और सिर्फ 40 से 60, मतलब 80% घड़ियां अगर ब्लैक कलर की, 80 लोग अगर घड़ी पहनते हैं ब्लैक कलर की, तो उसमें से 60% लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम आएगी, 20 लोगों की लाइफ में नहीं आएगी। कारण, अगर वह व्यक्ति बिल्डर हुआ, अगर वह व्यक्ति एडवोकेट हुआ, अगर वह व्यक्ति बोल्ड, मतलब वो उसका जो काम है, अभी मैं नहीं बताऊंगा कि किस चीज में, बस इतना समझ लो, अगर वह व्यक्ति बिल्डर हुआ, अगर वह व्यक्ति बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहा है, अगर वो एडवोकेट हुआ, ठीक है, या फिर ऐसा काम है जहां पे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई काम कर रहा है, उसको प्रॉब्लम नहीं करेगा, उसको हेल्प करेगा। कारण, मैंने क्या बोला, 80 लोग अगर घड़ी पहन रहे हैं, 80% लोग घड़ी पहन रहे हैं, तो उसमें से 60% लोगों को प्रॉब्लम देगा, 20% लोगों को प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वह बाय डिफॉल्ट अपने प्रोफेशन के हिसाब से वो ब्लैक कलर की घड़ी पहन लिया। इस जगह पे अगर ब्लैक कलर की घड़ी है और वो कंपनी का एमडी है, कंपनी का एमडी है, 101% उसके ऊपर फायदा करेगी। अगर ब्लैक कलर की घड़ी पहना है, वो कंपनी का एम्प्लॉय है, बेचारा परेशान। ऑर्गेनाइजेशन है कोई बहुत बड़ा, उस बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो व्यक्ति उच्च पद पे है और उसने ब्लैक कलर की वॉच पहनी है, मतलब काम की है, अगर उसके नीचे है तो काम की नहीं है। अब इसको ऐसे रिलेट कर लो, मजिस्ट्रेट कहाँ बैठता है? जो जज होता है वो कहाँ बैठता है? ऊपर, ठीक है, ऊपर बैठता है, उसका औधा उच्च का है, तो अपने नीचे लोगों को क्या करता है? वो कमांड देता है कि ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा, और मजिस्ट्रेट की बात को सब लोग फॉलो करते हैं। किसी की मजाल है कि उनके साथ कोई आर्गुमेंट कर ले, कोई, किसी की हिम्मत नहीं है, कोई चूंचा भी नहीं कर सकता। अगर उसने गलती से चूंचा कर दी तो जा भैया, तेरा काम हो गया, अब तू जा, 6 महीने के लिए बुक, या फिर तू अगले पेशी में आना, या फिर तेरा केसी हम डंप कर देंगे। तो ऑथराइज हो गया हुआ व्यक्ति, वो वहां पे उस पद पे बैठे हैं। तो ब्लैक कलर अगर कोई एमडी, बिल्डर, ऐसे लोग पहनते हैं तो उनके लिए वो बहुत काम की होती है। अब उसी जगह में बेचारा एम्प्लॉय पहन लिया तो वो तो उसकी तो फिर क्या कहने। तो ब्लैक कलर हर किसी को सूट नहीं करती। तो यही जो साइंस है, हम साइंस को अभी बताऊंगा, इस साइंस को हम लोगों को सिखा रहे हैं, और जितने सरल तरीके से मैं अभी सिखा रहा हूँ उससे और सरल तरीके से सिखाता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो वॉच का, मतलब उन वॉचेस को देख करके लोगों का एनालिसिस करना चालू कर देते हैं कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। फिर हम उनको यह भी बताते हैं कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, प्रॉब्लम के हिसाब से आप कौन सी वॉच पहनोगे जिससे आपकी लाइफ में प्रॉब्लम अच्छी हो जाएगी। ये अभी मेरी 26 मार्च को एक नई बैच स्टार्ट हो रही है, 26 मार्च को नई बैच स्टार्ट हो रही है। सिर्फ और सिर्फ उसमें मैं लिमिट के स्टूडेंट रखूंगा, तो जिनको इंटरेस्ट है तो वो हमारी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। क्लासेस की इंफॉर्मेशन आप लोग 9522751515 में पूछ लेना। उसमें मैं पूरा आपको मतलब पूरी मेरी टीम आपको पूरा हेल्प कर देगी, और इसमें हम आपको क्या क्या देंगे वो बता देता हूँ। इसमें आपको चार चीजें मिलेंगी, सबसे इम्पोर्टेंट चार चीजें मिलेंगी। पहला, रिस्ट वॉच के बारे में आप पूरा सीखेंगे, कुकू वॉच के मतलब रिस्ट वॉच, वॉल क्लॉक सब कुछ सीखेंगे। फिर आपको इसमें न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड वॉचेस को कैसे हमें लोगों को रिकमेंड करना है, खुद के लिए कौन सी वॉच अच्छी है, ये पूरी फैमिली की कंसल्टेंसी इस क्लास में फ्री रहेगी। मतलब आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं 4, 5, 6, पूरी फैमिली की कंसल्टेंसी फ्री। कौन सी वॉल क्लॉक आपको कहाँ लगानी चाहिए, अगर घर पे बेडरूम में कौन सी वॉल क्लॉक लगानी चाहिए, हॉल में, लिविंग रूम में, किचन में कहाँ पे वॉल क्लॉक लगानी चाहिए, अगर किसी का ऑफिस है तो ऑफिस में किस टाइप की वॉल क्लॉक लगानी चाहिए जिससे वो फ्रूटफुल हो जाए। अगर कोई ऑनलाइन बिजनेस कर रहा है तो ऑनलाइन बिजनेस के लिए भी एक डिफरेंट वॉल क्लॉक होती है, ठीक है, उसके लिए एक अलग रिस्ट वॉच होती है। किसी व्यक्ति का प्रमोशन नहीं हो रहा है तो वह व्यक्ति उस वॉच को सिर्फ 4 महीने पहन ले, 5 महीने पहन ले। ऐसा नहीं बोलूंगा कि प्रमोशन हो जाएगा, जब प्रमोशन निकलेगा तो उसका हो जाएगा। कई बार लोग कहते हैं कि सर प्रमोशन हो जाएगा, हमको आपने बोला कि प्रमोशन हो जाएगा इस वॉच से। अरे भैया, प्रमोशन निकलेगा तब तो होगा। अब 6 महीने बाद प्रमोशन निकलेगा तो 6 महीने बाद होगा, साल भर के बाद प्रमोशन होगा तो साल भर के बाद निकलेगा। ऐसा थोड़ी ना घड़ी पहन लोगे तो 2 दिन में प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा नहीं। जब प्रमोशन उस व्यक्ति का आएगा तो ऑटोमेटिकली वो घड़ी उसको हेल्प करेगी प्रमोशन में। मैंने ऐसी वॉचेस लोगों को सजेस्ट करी है जिनको हड्डियों से संबंधित बहुत प्रॉब्लम थी। मैंने उनको कहा कि इस वॉच को आप अपने राइट हैंड में पहनो, आपको बहुत फर्क दिखेगा। वॉच पहनने के 2-3 महीने के अंदर में उनको काफी अच्छे रिजल्ट्स मिले। जैसे हम स्वर विज्ञान से रिजल्ट ले रहे हैं ना, कुछ लोग स्वर विज्ञान के भी स्टूडेंट हैं, जैसे हम स्वर विज्ञान से रिजल्ट ले रहे हैं वैसे ही हम रिस्ट वॉच से भी रिजल्ट ले रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है पता, एक छोटा सा इस पे टेक्निक लगा दिया, स्वर विज्ञान और रिस्ट वॉच दोनों को एक साथ मर्ज कर दिया। तो आप सोचो कि क्या रिजल्ट आएगा। स्वर विज्ञान से हमें इतने अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं और उसमें हमने वॉच भी ऐड कर दिया तो क्या मिरेकल रिजल्ट आएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो यहाँ पर एक चीज आप सभी को समझ में, एक बताना चाहूंगा मैं बीच में कुछ चीजें आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ, बेसिक चीजें हैं जो आप लोग गलतियां करते हो, कभी मत करना। और ये गलती अगर आपने कर रखी है तो कोई बात नहीं, परंतु करना मत। पहली चीज यह है कि आपके घर में जितनी भी बंद वॉचेस हैं, जितनी भी बंद वॉचेस है, सारी की सारी वॉचेस को एक कैरी बैग में लो और किसी भंगार वाले को भेज दो। मैंने पिछली क्लास में बताया था, पिछली क्लास में। तो कुछ लोगों ने ना क्या किया मालूम है, कुछ लोगों ने कमेंट किया चैनल मतलब वही वीडियो पे, बोले सर अगर वॉच अच्छी नहीं है और हम किसी को भेज देंगे तो हम उसकी लाइफ में भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो फिर मैं अब उस समय क्या कमेंट में जवाब देता, तो मैं आप लोगों के सामने ही जवाब दे रहा हूं ताकि वो सुन लें। देखिए, कबाड़ी वाले का व्यापार है, जो भंगार का सामान खरीदता है वो उसका व्यापार है। चाहे तो उस वॉच को वो यूज करे, चाहे तो उस वॉच को वो आगे सेल आउट कर दे। हमारे लिए तो वो कचरा है, राइट, हमारे लिए तो वो कचरा है। हमने क्या किया, अपने घर से कचरा बेच दिया। अब वो उसकी मर्जी है, उसकी मर्जी है। चाहे तो वो उस घड़ी को ले जाके अपने घर पे लगा ले, चाहे तो वो आगे अपने उस दूसरे कबाड़ मतलब वो अपने होलसेलर कबाड़ वाले को बेच दे, हमारा काम खत्म। तो किसी ने कमेंट किया कि सर ऑलरेडी कबाड़ी वाला इतना गरीब रहता है, उसको हमने गलत वॉच दे दी तो उसके जीवन में और गलत हो जाएगा। नहीं, हम गलत थोड़ी ना कर रहे हैं। अब आप सोना खरीदते हो, सोना खरीदते हैं या हम सोना हम बेचने जाते हैं तो उसमें पॉजिटिव इंटेंशन है, नेगेटिव इंटेंशन हमें थोड़ी ना पता था। सोनार क्या करता है, वो तो उसका व्यापार है ना। अब जैसे ज्वेलरी एनालिसिस में आने वाले समय में एक कोर्स मेरा चालू होगा 6 महीने के बाद, ज्वेलरी एनालिसिस मतलब व्यक्ति की ज्वेलरी देख के आप बता दोगे कि उसके जीवन में क्या चल रहा है, उस पर मेरी R&D चल रही है। तो वह अब आप बोल दिए किसी को ये तेरी ज्वेलरी खराब है, या कोई भी ऐसी चीज हमने कह दी कि ये खराब है, तू जाके बेच दे। अब वो पर्टिकुलर उस दुकान में जाके बेचेगा, भाई वो तो उसका व्यापार है, तो वो तो व्यापार में तो कुछ घाटा मुनाफा तो होगा नहीं, या तो वो रख ले या तो वो बेच दे। तो उस जगह पे जिन्होंने कमेंट किया था उनको ये जवाब है कि घड़ी कभी भी आपने क्या बोलते हैं डिस्पोज ऑफ नहीं करना। ये मैंने ये चीज बताना भूल गया, ये भी सेकंड में आ रहा है। कई बार ऐसा होता है, मैंने कई बार जैसे कई लोगों का एनालिसिस करता हूँ तो मैं कह देता हूँ कि इसको बेच दो, किसी कबाड़ी वाले को 10-20 रुपए में बेच दो। तो उस समय ये कमेंट आया था। तो देखो, घड़ी को आपको कभी किसी को ना बेचना, तो कभी घड़ी को दान करें, कभी घड़ी को किसी को दान नहीं करना। गिफ्ट कर रहे हो मतलब दान ही है, पहली चीज। दूसरी चीज, ना घड़ी को कभी तोड़ मरोड़ के फेंकना। कई लोग क्या करते हैं, घड़ी को तोड़ देते हैं और डस्टबिन में डाल देते हैं, कभी मत करना ऐसा। ना घड़ी को कभी जल प्रवाह करें। कारण बता रहा हूं, घड़ी क्या है, समय, टाइम। और आज के समय में टाइम इज मनी, सभी एग्री करते हैं मुझ इस बात से। अगर कोई व्यक्ति बिजनेस में, जॉब में है, 8 घंटा जॉब करता है तो उसको सैलरी मिलती है। कोई कंसल्टेंसी करता है, अगर किसी व्यक्ति को वो 1 घंटा देता है तो वो कंसल्टेंसी की फीस लेता है। तो टाइम इज मनी, आज के समय में समय पैसा है। तो आपने क्या किया, घड़ी को किसी को दान कर दिया, तो आपने अपने समय को क्या किया, दान कर दिया। घड़ी को आपने तोड़ दिया और उसको डस्टबिन में डाल दिया, तो आपने अपने समय को क्या किया, डस्टबिन में डाल दिया। घड़ी को आपने जल प्रवाह कर दिया, तो आपने अपने समय को क्या कर दिया, जल प्रवाह कर दिया। अब इसको रिलेट कर लो मनी के साथ, ठीक है। आपने घड़ी को जल प्रवाह कर दिया मतलब आपने अपने पैसे को जल प्रवाह कर दिया। आपने किसी को दान दे दिया मतलब आपने अपने पैसे को दान दे दिया, अपने समय को दान दे दिया। अब आप समय को दान दे दोगे तो फोकट ही बैठे होगे ना, बेरोजगार हो गए। समय को दान मतलब ज्ञानी बस बने बैठे रहो, तो समय को दान नहीं करना। समय को तोड़ मड़ोड़ कर फेंक दिया आपने, उसको हल्का सा डैमेज करके फेंक दिया, तो आपने अपने समय को डैमेज कर दिया। तो जब आप अपने समय को डैमेज करेंगे तो आपने अपने पैसे को डैमेज कर दिया। ये समझ में आ रहा है कॉन्शियस लेवल पे। अब इसी जगह पे मैंने वही बोला था कि आप किसी को बेच दो। तो जब आप कोई घड़ी 10, 20, 50, 100, 200, 500 रुपए में आप बेच देते हो तो आपने अपने समय को क्या किया, सेल आउट कर दिया। आपने अपने समय को बेचा। भले वहां पे बेचने में मायने नहीं रखता कि 10 रुपए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पैसा आया, वो इंपॉर्टेंट है। कितना आया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बदले में आपको पैसा मिला, तो आपने अपने समय को बेच दिया, ठीक है। तो जब आप उसको किसी कबाड़ी वाले को बेचते हो तो वो, यहां से ये पॉइंट था कि जब आप किसी कबाड़ी वाले को बेचते हो तो वो उसका व्यापार है, ना कि आप उसके जीवन में कुछ गलत कर रहे हो। वो उसका कर्म है, वो आपका कर्म है, ठीक है। तो ये चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा। 2 चीजें याद रखना, घर में, आपके घर में जितने भी लोगों के घर में घड़ियां बंद पड़ी है, आज ही हटा देना। 48 घंटे के अंदर में आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी हो जाएगी। जो ब्लॉकेज फंसा हुआ है, पैसा आ नहीं रहा है, किसी व्यक्ति से मिल नहीं पा रहा है, आपने किसी को पैसा दे दिया, वो व्यक्ति आपको गोल गोल घुमा रहा है, आज ले लेना, कल ले लेना, 4 दिन के बाद ले लेना, बंद घड़ी को हटा दोगे, आपके ब्लॉकेज खुल जाएंगे। क्योंकि आपने अपने समय को क्या किया, बंद समय को आप अपने घर से बाहर कर दिया, तो आपका समय कौन सा आ गया, चालू हो गया। दूसरा, बीमारी का पता नहीं चल रहा, सिर्फ और सिर्फ पैसा डॉक्टर के पास ही खर्च हो रहा है, बंद घड़ी पड़ी होगी, किसी ना किसी व्यक्ति के घर में बंद घड़ी पड़ी होगी, हटा देना। अननेसेसरी पैसों का खर्च हो रहा है, घड़ी बंद पड़ी होगी। तो आप देख लेना, जितने जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं, 4 पॉइंट इसमें बिल्कुल मैच करते हैं। बीमारी, अननेसेसरी पैसों का खर्च होना, पैसों का ब्लॉकेज होना, पति पत्नी के संबंध खराब होना, और अगर आपके आर्थिक कंडीशन ठीक नहीं है तो चेक कर लेना, आपके घर में कहीं ना कहीं घड़ियां बंद पड़ी होंगी। 1 नहीं, कम से कम 2 या 3 होंगी। छोटे बच्चों की भी घड़ी मायने रखती है। हम क्या करते हैं, मार्केट में जाते हैं, 100 रुपए की घड़ी खरीदते हैं, बच्चों को देते हैं, बच्चे क्या करते हैं, 15 दिन पहनते हैं, उसके बाद तोड़ के फेंक देते हैं। हमें क्या लगता है, अरे बच्चे की ये छोड़ दो, वो भी तो समय बता रही है। तो वो भी जब समय बता रही है मतलब वो भी कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी की ओर खींच के ले जा रही है। चेक कर लेना, चेक करके देखना जितने लोगों के साथ में प्रॉब्लम है, अभी आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ मेरे वहां ड्रॉज में बंद घड़ी पड़ी है, मेरे लॉकर में मेरे पापा की घड़ी बंद पड़ी है, मेरे लॉकर में मैंने 4 महीने मतलब मेरे ड्रॉज में वहां पे मेरे अलमीरा में मैंने घड़ी खरीदी थी, 3 महीने पहनी, उसके बाद वो घड़ी बंद पड़ी है। कोई कर पाया इस चीज से रिलेट? अनम्यूट का परमिशन अभी मैंने ओपन कर दिया है, बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। बिल्कुल सर। यस सर। बिल्कुल सर। यस सर। बिल्कुल सही सर। कर पाए रिलेट? इस साइंस को पकड़ पा रहे हो? यस सर। ठीक है, तो अब क्या करना है? हाँ सर, पुरानी घड़ियों को अलग करनी है। पुरानी घड़ियों को बिल्कुल हटा दो। अब कई बार स्मार्ट वॉच हो तो सर, स्मार्ट वॉच को क्या करना है सर? अच्छा, स्मार्ट वॉच वाले करना पड़ता है ना बार बार। एक मिनट स्मार्ट वॉच वाले हैंड रेस करो, उनसे थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर करते हैं, मजा आएगा। बाकी सब लोग स्मार्ट वॉच का पता चल जाएगा सभी को। चलो, दो लोगों ने बस दो लाइन में बोलना, मैं जो पूछूंगा उसका हाँ या ना में जवाब देना, ठीक है? स्मार्ट वॉच आप कितने दिनों से पहन रहे हो? सर मैं तो पहन ही नहीं रखा है बस। अच्छा, नहीं पहनने वाले की बात कर रहा हूँ सर। मेरी भी नहीं है, हस्बैंड की है सर, और पहनते नहीं है, यही पड़ी घर पे पहनते। ठीक है, और कोई पहनने वाला है? स्मार्ट वॉच पहनने वाला कोई है? बेटी की है, वो पहनती है। उसको बीच में उसने पहना था, तो उसको थोड़ा अच्छा एग्जाम वगैरह देते वक्त तो थोड़ा अच्छा महसूस हुआ, थोड़ा कंसंट्रेशन मेरा उसका बढ़ गया था। ठीक है बिटिया, देखो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, अगर आपकी बिटिया स्मार्ट वॉच पहन रही है ना, तो आपकी बिटिया को कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज आया होगा उस बीच, और उसका जो ध्यान है वो ज्यादातर मल्टीमीडिया में चला गया होगा, यूट्यूब, फेसबुक। हाँ मल्टीमीडिया, हाँ वो पहने तो थोड़ा ज्यादा यूज करती है वो, और हेल्थ से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आया हो। वो पैर में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है। हाँ, स्मार्ट वॉच का यही है, मतलब उसको अभी उनको पहनने के लिए स्मार्ट वॉच अगर पहनना है तो सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे के लिए पहनिए, अपने काम के लिए। जैसे कई लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं तो वो अपने स्टेप गिनने के लिए, अपना बीपी, ये सब, उसके लिए। उससे ज्यादा नहीं, 1 घंटे से ज्यादा नहीं। जिमिंग वगैरह के लिए स्मार्ट वॉच पहन सकते हैं, ठीक है? पूरा दिन नहीं चाहिए, बाकी स्मार्ट वॉच नहीं पहनना चाहिए। कनेक्ट हुआ? स्मार्ट वॉच वाले जो थे सर, मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए सर। जैसे मेरे हस्बैंड स्मार्ट वॉच पहनते थे, और फिर एक वीडियो मैंने आपका सुनी थी कि वो 3 महीने के अंदर अपना असर दिखाती है। सर मेरे हस्बैंड का सही में एक्सीडेंट हुआ था, तो फिर मेरे को वो बात याद आ गई, तो सर तब से हमने वो वॉच मतलब बेच दिया, लेकिन घर में रखे नहीं। और जो मेरे फ्रेंड थे, मैंने उसको भी सजेस्ट करी कि वो स्मार्ट वॉच मत पहनो करके। उनका लड़का तो शाम को पहन के सोता था सर, मैंने उनको बोली कि कम से कम थोड़ी देर में पहनना तो ठीक है, लेकिन ज्यादा देर तक पहनना ही मत। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। स्मार्ट वॉच देखिए, स्मार्ट वॉच अच्छी तो है, स्मार्ट वॉच अच्छी है, मैं किसी भी घड़ी को हम बुरा नहीं कह सकते, स्मार्ट वॉच अच्छी है, परंतु वो सिर्फ और सिर्फ उस पर्पस के लिए अगर व्यक्ति पहनता है तो अच्छा है। 3 चीजें कनेक्ट करना, जो लोग स्मार्ट वॉच पहनते हैं 2 चीजें तो कनेक्ट एकदम एग्जैक्ट मैच करती है। जो व्यक्ति अपने रिस्ट पे स्मार्ट वॉच पहनता है, वह व्यक्ति अपना ज्यादातर समय मोबाइल में, मतलब मोबाइल में अपना ज्यादातर समय व्यतीत करता है, फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, टेलीग्राम और दुनिया भर की चीजों में वो फंसा रहेगा। उस व्यक्ति का प्रॉपर काम करने में काम नहीं करेगा, वो दूसरी चीजों में फंस जाएगा, पहला। दूसरा, स्मार्ट वॉच जो होती है वो हेल्थ, हम कहते हैं ना स्मार्ट वॉच से हम हेल्थ के बारे में पता कर लेते हैं, उल्टा है। स्मार्ट वॉच हेल्थ प्रॉब्लम देती है। हम देखते हैं कि भाई हम कितने स्टेप चल गए, हमारा हार्ट कितना, वो जो भी उसमें फंक्शन होते होंगे, मैं ये नहीं यूज करता तो मुझे आइडिया भी नहीं है, ठीक है? तो वो स्मार्ट वॉच सिर्फ मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक और जिमिंग के लिए अच्छी होती है कि आपका कितना, क्या बॉडी से क्या रिलीज हुआ, कैसा हुआ, वो 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए बेस्ट है। कंटिन्यूअसली अगर कोई पहनेगा तो हेल्थ को ठीक करने के जगह में वो बेचारा अपने हेल्थ को बिगाड़ ले। ये रिलेट कर पाओगे आप लोग, और ये रिलेट होता है। ये बात मेरी झूठी इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आप लोग बताओगे कि मैं मेरी बात गलत है या सच्ची है, क्योंकि कितने 224 लोग जुड़े हुए। तो जो स्मार्ट वॉच पहनते रिलेट कर पाए क्या नहीं कर पाए? कर पाए सर। यस सर। यस सर, तो स्मार्ट वॉच पहनना है, यस सर, जो कंटिन्यू स्मार्ट वॉच पहनता है ना वो अपने आप को चेक कर ले, फालतू की चीजों में फंसे रहेगा, या तो वो गेम ही खेलता रहेगा, काम छोड़ के गेम खेलेगा, ठीक है, उसका ना मन नहीं लगेगा किसी चीज में, कारण स्मार्ट वॉच रिप्रेजेंट करती है राहु को, और उसने अपने रिस्ट में क्या पहन लिया, राहु, और जैसे ही उसने राहु धारण किया राहु उसकी खोपड़ी में चढ़ जाएगा, मतलब वो गेमिंग में फंस जाएगा, वो यूट्यूब में ही फंसा रहेगा, वो इंस्टा में ही, मतलब कुल मिला के वो सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया में वो अपने अपना पूरा का पूरा समय उसमें व्यतीत करेगा। तो स्मार्ट वॉच कभी कभी पहन सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे के लिए इस कंफर्टेबल है, उसके अलावा ना पहने, ठीक है। तो चलो अभी हम वॉच का एनालिसिस करते हैं, कुछ लोगों की वॉचेस का एनालिसिस करते हैं, ठीक है।